नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मऊ जनपद में निर्विरोध हुई और निर्विरोध हमारे सामने मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय जी। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने रणनीति बनाई अपने चुनाव में और आगामी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या रणनीति है 9 ब्लॉकों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जब सूची आई तो मनोज राय निर्विरोध होकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने मऊ जनपद से। बहुत स्वागत है सबसे तेज न्यूज़ में आपका। नमस्कार। क्या रणनीति रही आपके चुनाव में? पहले तो आपको बहुत शुभकामना, आप जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध रहे, क्या रणनीति रहे चुनाव में? आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से, मैं मऊ की जनता के आशीर्वाद से मैं मऊ जनपद का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने हम पे अपना विश्वास जताया। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के, अपने जनपद के सभी पदाधिकारियों के भी आभारी हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे अपने वार्ड नंबर सहरोज की उस जनता को जिसने लगातार तीसरी बार हमें जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना और जनपद के उन सभी 34 जिला पंचायत सदस्यों को जिन्होंने रिजल्ट आने के बाद, प्रमाण पत्र मिलने के बाद एक बैठक कर आपसी चाय पे चर्चा करके और यह तय किया कि हम लोग इस बार इस पूर्वांचल में, उस उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने का कार्य करेंगे और मिलजुल कर एक अपना निर्विरोध अध्यक्ष बनाएंगे। हमने पिछले 20 वर्षों से पंचायत का मैं प्रतिनिधि लगातार रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख भी मैं रहा, मेरे चाचा जी भी ब्लॉक प्रमुख रहे 28 वर्षों तक, हमारे छोटे भाई सर्वेश राय जी भी ब्लॉक प्रमुख रहे। मैं लगातार तीसरी बार जिला पंचायत का सदस्य हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जनपद की सबसे बड़ी पंचायत में लगातार 4 बार मेरा प्रतिनिधित्व रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी सदस्यों ने मिलजुल कर हमें निर्विरोध बनाया। मैं अपने सभी जिला पंचायत के सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने बताया कि आपका परिवार ब्लॉक प्रमुख काफ़ी समय से रहा है, आप खुद 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, आपके भाई रहे हैं, आपके चाचा जी रहे हैं। अब बात ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में क्या रणनीति है आपके द्वारा, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, कि किस तरह से 9 ब्लॉकों पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार पंचायत के चुनाव में इस तरह से हस्तक्षेप कर रही है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो या क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, अब ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव है। निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारी तमाम योजनाएं ऐसी रहीं कि पूर्व के जनप्रतिनिधि जो ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे या जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनका पंचायतों के विकास में बहुत योगदान नहीं रहा, उनकी कोई रुचि नहीं रही, यह हम लोगों ने पूर्वांचल में देखा है। तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र नेतृत्व के आदेश पर पहली बार यह तय किया। हम लोगों का पहली प्राथमिकता है कि जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाया जाए और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ मिले। मैं जब सन 2000 में ब्लॉक प्रमुख हुआ तो मैं आपको बताऊं कि उस समय शौचालय के लिए, आवास के लिए, पेंशन के लिए, कार्ड के लिए बहुत मतलब दिक्कत होती थी और लगता था कि किसी गांव में 10 शौचालय हम लोगों ने प्रस्ताव करके बनवा दिया तो उस गांव का प्रधान और उस गांव के लोग बहुत हम लोगों का सम्मान करते थे। आज आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों को लगा के, सेक्रेटरी को लगा के, लेखपाल को लगा के, थानाध्यक्ष को लगा के, गांव में सीटी बजा के लोगों को जागरूक करके अधिक से अधिक गांव में 100% शौचालय बनाने का कार्य किया गया और शौचालय माने घर घर शौचालय बनाने का कार्य स्वच्छता अभियान को चला के किया गया। आप देखे होंगे कि पहले के समय में किसी गाँव में 10 आवास, 15 आवास, 20 आवास जाता था, सैकड़ों आवास कोई गांव में बचा नहीं है। आप राशन कार्ड की बात करें तो ऑनलाइन पहली बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन राशन कार्ड बन रहा है, पहले तो ऐसे ही मीटिंग करके, प्रस्ताव करके तमाम अपात्रों का राशन कार्ड बनता था। लेकिन हमारी सरकार, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोगों का प्रयास रहा है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, दल, पार्टी से अलग हटकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में हम लोग विश्वास करके जो पात्र व्यक्ति थे वो किसी जाति धर्म के रहे हों उनको उसका लाभ दिया जाए। तो इसी हिसाब से इस बार हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जनता के बीच गए हैं,
क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच हम लोग गए हैं और वो खुद हमसे जुड़ना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर ये लोगों को विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 वर्ष का जो योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा है, तो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को यह पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्र में दूसरी बार परम आदरणीय योगी मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए, इस बार भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे और तमाम क्षेत्र पंचायत के सदस्य और प्रधान बंधु हम लोगों से संपर्क में है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पर हम लोग मेहनत करके पहली बार ऐसा होगा। आपने देखा होगा कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहली बार ऐसा होगा कि 9 में से 9 ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम जनता के सहयोग से, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के सहयोग से हम जीतेंगे। सेमीफाइनल को फाइनल की तरह खेलेंगे, स्लॉगरों में देखना होगा कि किस तरह से बैटिंग करते हैं और अपनी ये जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है इसमें 9 ब्लॉक प्रमुखों को कैसे ये बनाते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।